ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सहन करने का पुरुषार्थ और बातों का पुरुषार्थ वो नहीं करना है, लेकिन पुरुषार्थ करना है। कहते ना, आजकल मेरा पुरुषार्थ ढीला हो रहा है। पुरुषार्थ, पुरुष मतलब आत्मा, रत्माना शरीर, इस शरीर से स्वयं को अलग समझना है पुरुषार्थ। मेरा पुरुषार्थ ढीला हो रहा है, मुझे किसी की कमी दिखाई पड़ रहे हैं, मेरे संकल्प चल रहे हैं, इसका मतलब मैं देहभान में हूं। इसलिए आत्म अभिमानी का पुरुष, जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं, अगर बिल्डिंग का फाउंडेशन ही कमजोर है, वो बिल्डिंग आंधी तूफान में आएगी, भूकंप आएगा, गिर जाएगी। अगर फाउंडेशन मजबूत है, कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, बिल्डिंग नहीं गिरेगी। इसी तरह जिन्होंने इस आत्म अभिमानी का पाठ पक्का किया है, उसके लिए कितने भी विघन आए, कितने भी परिस्थिति आए, उसकी बिल्डिंग कभी नहीं हिलेगी। इसलिए ये पाठ पक्का करो, अभी भी टाइम है। नहीं तो ऐसे ज्ञान में आ रहे हैं, पाठ पक्का नहीं किया, बस योग में चल रहे हैं, अंतिम समय फेल हो जाएंगे। आत्म अभिमानी स्थिति वाला, उसका 21 जन्मों तक उसका फाउंडेशन मजबूत रहेगा, कभी भी गिरेगा नहीं। इसलिए इस पाठ के पर ध्यान दो।